सऊदी अरब के जिद्दा में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में विंध्य के दो क्रिकेटरों की बोली लगी है। रीवा के समीपी ग्राम हरिहरपुर के रहने वाले तेज गेंदबाज कुलदीप सेन को 80 लाख में पंजाब किंग्स इलेवन ने खरीदा है, तो वहीं उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपए रहा। वहीं मऊगंज जिले के बटियारी निवासी माधव तिवारी पर दिल्ली कैपिटल ने 40 लाख रुपए की बोली लगाई है। माधव पर बेस प्राइस 30 लाख रुपए से 10 लाख रुपए ज्यादा दाव लगा है। फटाफट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार विंध्य के दो तेज गेंदबाज एक साथ दिखेंगे। सीधी के सौम्य पांडे और सतना के तिरुपेश सिंह भी ऑक्शन में शामिल रहे हैं। बता दें कि तेज गेंदबाज कुलदीप सेन के छोटे भाई जगदीप ने बताया कि वर्तमान में कुलदीप बीसीसीआई के एनसीए एकेडमी बेंगलुरु में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इससे पहले 2 साल राजस्थान रॉयल्स टीम का वह हिस्सा रहे हैं। उन्होंने वनडे में 1 मैच में 2 विकेट, आईपीएल के 12 मैच में 14 विकेट, प्रथम श्रेणी के 20 मैच में 55 विकेट, लिस्ट ए के 14 मैच में 27 विकेट और टी20 के 40 मैच में 32 विकेट लिए हैं। वे रेवांचल एक्सप्रेस के नाम से भी मशहूर हैं। बता दें कि कुलदीप के पिता रामपाल सेन रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर सैलून की दुकान चलाते हैं। दुकान से होने वाली आय से ही तीनों बेटों की पढ़ाई लिखाई कराई है। शुरुआत में माली हालत के कारण कुलदीप का क्रिकेट खेलना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन जब कुलदीप ने क्रिकेट को सपना बताया तो वह मान गए। दिन रात मेहनत की, लेकिन कुलदीप के क्रिकेट में कोई कमी नहीं आने दी। वही इंदौर के झलारिया बाईपास से सटे काउंटी बाग में 40 साल पहले दादा स्वर्गीय यज्ञ नारायण तिवारी निवासी मऊगंज के ग्राम बहियारी से गए थे। पिता अवधेश तिवारी बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं। 25 नवंबर को ऑक्शन के समय मां कोमल तिवारी की टीवी पर नजरें थी। उनको भरोसा था फिर पिता चयन से अनजान रहे। ऑक्शन में नाम आने के बाद पत्नी ने फोन किया, तब भागकर घर आए। बेटे माधव के चयन पर जब मोहल्ले के लोगों ने मिठाइयां खिलाई तब जाकर उन्हें भरोसा हुआ। अवधेश तिवारी ने बताया कि वह 8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। 12 साल की उम्र में लगन देखकर एकेसीए क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा दी। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और वर्तमान में केरल क्रिकेट टीम के कोच अभय खुरासिया ने माधव को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई और वह दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदौर के छात्र हैं।